सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यार अभी आप देख रहे होंगे मैं कहाँ पे हूँ। तो यार ये जो है वो मेरी पप्पो का घर है। तो अभी हम यहाँ आए थे देखने, यहाँ पे जरा काम शाम हो रहा है, उन्होंने अभी खरीदा नहीं तो पेंट वगैरह वो लोग करवा देते। अभी मैं आपको ये सारा घर दिखाता हूँ और ये बताता हूँ कि ये किस जगह पे है। तो पहले आपको घर दिखाता हूँ। ये जो है वो अंदर का लॉबी का गेट है। यहाँ से एंटर होने के बाद इधर साथ ड्राइंग रूम आ जाता है, ड्राइंग रूम या इसको आप रूम भी बना सकते हैं। इधर भी एक रूम है, इसको ये जो है वो ड्राइंग रूम है आपका। तो और ये वैसे ही रूम, गेस्ट रूम भी कह सकते हैं इसको। तो आगे चलते जाएं तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी जो है ना वो लॉन टाइप उन्होंने बनाया हुआ है। और इधर चलें तो यहाँ से बाहर गली में जाने का रास्ता और यहाँ से ऊपर। तो ये जो है वो है किचन। अजान असर की भी शुरू हो गई है यार, अभी जल्दी से हमने घर भी जाना है। ये रहा दूसरा तीसरा चौथा रूम, ये देखें यहाँ पे कैबिनेट्स वगैरह। अभी मैं आपको गली के रास्ते से लेके जाता हूँ, यहाँ पे कैबिनेट्स वगैरह। तो यहाँ पे आगे सही आवाज नहीं करी वहाँ पे। यहाँ पे जो है पहले वो सीमेंट का ही था, इन्होंने जो है वो पत्थर लगवाया यहाँ पे। तो अभी हम निकलने भी वाले हैं गाड़ी, तो चलते हैं। ऊपर इतना कुछ खास नहीं है, खाली छत ही है, जिसकी वजह से मैं आपको ऊपर नहीं लेके जाऊंगा। थोड़ा सा बाहर की लोकेशन आपको दिखाऊं तो ये भी बहुत अच्छी बनी हुई है। और ये रहा सामने घर उनका, तो फैमिली वगैरह खड़ी है, इसलिए मैं ओवरऑल आपको घर नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे काफी जबरदस्त है ना वो ये जगह है। यहाँ पे ग्रीन बेल्ट है और उस साइड पे देखें सामने पार्क है। लोकेशन बहुत अच्छी है यहाँ की। तो ये थोड़ी बहुत बजरी वगैरह पड़ी है, तो ये भी इंशाल्लाह क्लीन अप हो ही जाएगी एक ना एक दिन। तो यहाँ से देखें जी घर, ये है उनका घर। बाहर दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, काफ़ी जो है ना वो अच्छी लोकेशन पे उनका घर है। तो ये वीडियो बनानी थी, अब जो है आपको घर जाते हुए दिखाते हैं और फिर घर जाके रूटीन दिखाते हैं अपनी। ओए ना तेरी यार सहन, अभी हमने जो है ना वो बजानी है बेले बेले। यार सारे रेडियो भागने के लिए रेडी। कौन से घर का? ए पहले वो एंड वाले घर से बजाओ। ओ नहीं नहीं इधर आवाज सुन यार, अभी हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और ना हमने फिर बात देना फौरन। और वो हमारा दोस्त है उसको वैसे। ये किसका है? यार अभी हम भाग गए हैं बैल बचा के। यार इसको मैंने कहा था कि ना जो हमारा दोस्त है अहमद, मैं भी अहमद हूँ, उसका नाम भी अहमद है, उसके घर की बैल दे। इसने रैंडमली किसी के घर की बैल दे दी है। एक मिनट अभी कोई ना बैल दे, मुझे बता के बैल देनी है जिसने। ओए शाहजेब मुझे बता के बैल देनी है जिस घर की। ओए एक मिनट रुक जाओ, सिर्फ दोस्तों के घरों की देनी। यहाँ कोई दोस्त रहता है? किसका घर है? ओए रुक जा बैल ना दी, अहमद का घर। एक मिनट स्लो स्लो। भागो पीछे कसम से यार। अब एक लड़का है शाहदेव, उसके घर की बैल देते हैं। मेरे घर की बैल ही डी है सही। अब हमने करनी और घर की बैल। भाई ये बंदा काम का, ये बैल देता है और मैं भागता हूँ। ब्लॉगर है ना, तुम ब्लॉगर को थोड़ी इज्जत देनी चाहिए। थैंक यू यार। यार अभी हम ये इसने खुद ही कहा है मेरे घर की बैल दो, अभी चलते हैं। चलो मैंने कहा इनके घर वालों के रिएक्शन देखेंगे क्या करते हैं। अच्छा मैं जो है ना मैं ऐसे खड़ा होऊंगा जैसे मैंने कोई कार्रवाई डाली नहीं है। हाँ। मैं इधर खड़ा हो जाऊंगा, तुम लोगों ने जाके बैल देनी और मैं रिएक्शन उनका रिकॉर्ड कर लूंगा। अली ने जो है वो बैल दे दी और मैं यहाँ पे छुप गया। पूछ रहे हैं कौन? वो
तू वीडियो बना, पकड़ के वीडियो बना, तूने बनानी है आगे उधर वहां जाके बना कर देख लिया तो बच्चा तो मुझे दे कैमरे ही नीचे कर लिया वो भी इसने घर बता दिया और ये इसका भाई बाहर आया देखें वो देख शर्मा के चला गया शर्माइया शर्माइया होती हैं जब किसी के घर बेल बजती हैं चलाओ यार चलें वो लोग पता नहीं कहां गए वो हो गया उसका पहले यार अभी तक शाहजेब और अब्दुल्ला का कोई अता पता नहीं है अब हम इनको ढूंढने चलते हैं यार हमें घूम गए ना तुम्हारे सर पे नाम आने पानी पी लो यार ये लोग पानी पी रहे हैं और मैंने तो कहा हम उनको ढूंढ के पानी पिएंगे तो अभी चलते हैं यार शाहजेब की कोई टेंशन नहीं अब्दुल्ला की टेंशन है अब कैमरा बंद नहीं होना चाहिए सीधा सीधा यार अब हमने पहले नहीं बनानी है वो उनको ढूंढ के घर ही जाएंगे उन्होंने हमारा सारा वो खराब कर दिया ओए गाइस बहुत मतलब हमें हो रहा है क्योंकि दोनों ही मतलब एकदम उनके मतलब अब्दुल्ला अर्शद रहती तो पहले लेकिन अब्दुल्ला को थोड़ी प्रॉब्लम है और शहजेब तो उसका घर तो उसको पता है सब कुछ एक मिनट उनको पार्क वाली साइड पे देखते हैं क्योंकि वो हमें नहीं ढूंढ रहे होंगे वो वहीं पे गए होंगे वो रे ओए कहां गए वो यार तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए हो तुम लोग फुटबॉल खेल रहे हो यार हमें कम से कम बता ही देते हैं हम तो आधे घंटे से ढूंढ रहे हैं यार अब्दुल्ला को बता लेते चुप कर जा यार फुटबॉल खेलने का व्लॉग ना यार ये देखें एक तो ये लोग घूम गए हैं और दूसरा यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं हमें बताया भी नहीं कि हमको यार डांटने की बात नहीं है यार अभी हम जा रहे हैं घर बंदे हमें मिल गए तो ये थी हमारी आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो आप लाइक लाजमी करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़